उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के मझोला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर गली वाली मस्जिद के पास शकील नामक एक व्यक्ति रहता है जो शराब पीकर लोगों के साथ लगातार गाली गलौज करता रहता है। कथित व्यक्ति के इसी आदत की वजह से गली में गाली गलौज को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा हो गया। हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला तब सामने आया जब मुकीम नामक एक व्यक्ति अपने साइबर कैफे को बंद करके अपने घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे शकील ने रोक लिया। शराब के नशे में गाली गलौज करते हुए उसने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। मुकीम और शकील की हाथापाई शुरू होने के बाद शकील और उसके दोस्तों ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया। कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद भी शराब पीकर यह लोग इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। ना तो ये लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, ना तो इतनी बड़ी घटना से ये डर रहे हैं। लगातार झगड़ों की वारदातें बढ़ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर सजा का प्रावधान होने के बावजूद भी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। हम आपको बता दें कि इस पूरे झगड़े की कवरेज करने गए पत्रकार के साथ भी शकील व उसके दोस्तों ने हाथापाई कर उस पत्रकार का मोबाइल छीन लिया, जिससे उस पत्रकार का मोबाइल टूट गया। हालांकि इन सारे मामले की शिकायत पत्रकार ने पुलिस से की है। पुलिस ने अभी तक कोई भी एक्शन न लिया है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसकी वजह से शराब पीकर सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों की मनमानियां बढ़ती जा रही हैं। मुरादाबाद से कैमरामैन अनवर अली के साथ मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। इधर आओ। क्या हुआ ये साथ में? क्या हुआ ये भाई? मुकीम ने मारा मुझे। किसने मारा आपको? मुकीम ने मारा? मुकीम के भाई ने। अच्छा, लड़कों से? अच्छा, लड़कों से। एक आदमी लड़कों में तो भाई दिमाग पे पड़ेगा वो चोट खाएगा, वो मार जाएगा, ना पड़ेगा तो ना चोट खाएगा। कहाँ मारा है आपको? ना मारा कैसे? कौन निकल रहा है? दिमाग पे मारा, बताओ। चार आदमी होने, मुकीम का नाम जानता हूँ, चार का नहीं जानता हूँ मैं। हाँ, चार भाई ही है वो। हाँ, लेकिन मीडिया वाले ने समझेंगे तो देखो, पुलिस समझती है मेरी बात को। पुलिस का नाम ले दो, शकील से झगड़ा हो गया। किस बात पे झगड़ा हुआ था? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? ऐसा था, इनने कल मेरे लौंडे को गाली बाकी मुकीम ने। क्या कहा था? छुट्टी समय क्या कहा था? जैसे जा रहा है तो कोई खरोच आ गई। हाँ, तो वहाँ खरोच नहीं आनी चाहिए तुम्हारे पर कोई भी। अच्छा, तुम्हें लेने आएंगे, हमें घर ही मिलना जैसे तुम हो, जैसे छोड़ रहे हैं तुम्हें। अच्छा, क्या नाम उनका है? अपना नाम बताइए ना। मुझे तो बीच बचाओ हमारा यार, तो सही बंद करके लेंच में दुकान बंद करके आ रहा था। उन्होंने एक लगा फायदा उठा लिया, सुनसान तो पड़ी थी पूरी गली में। लैपटॉप छीन लिया मैंने, शोर मचाया, उन्होंने ब्लेड मार दिए मेरे। बोले अगर नहीं, पहले भी कई बार ब्लेड रख चुके हैं मेरे। ये राया था, उसका भैया सानू था और सलमान था, चारों बाप बैठे थे। और उसके अब भी पिए हुए हैं, अब भी वीडियो बना के देख सकते हो, उसके मुंह से सुन सकते हो, पूरे पिए हुए हैं पूरे, और पूरा घर गोलियां खाता नशे की। पुलिस को क्या नाम है जिन लोगों से लड़ाई हुई थी आपकी? बाप का नाम शकील है, और तीनों बैठे हैं उनके, उसके सानू के ससुराल ये भी हैं सारे। कहाँ रहते हैं ये? आगे रहते हैं। सारा पूरा घर एक हो गया, पूरा मोहल्ला इनका। वो क्या लड़ने जा रहे हैं? वो मेरे भैया से भी लड़ने मिला फालतू है। मार दी तलवार इसके, ये भी जो चाहे मैंने सब सोच।